आज मैं गाइस आपको एक सुपर एक्साइटिंग फोन दिखाने वाला हूँ, तो ये है 2G V Max। इसमें आपको मिलती है 22,000 mAh की रियली बिग बैटरी, नाइट विजन कैमरा। ये फोन IP69K है, MIL 810H सर्टिफाइड है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रगेड फोन दिया गया है। 108 MP का मेन कैमरा, 120Hz की यहाँ पे रिफ्रेश रेट दी गई है और डायमेंसिटी 1080, और इसका जो प्राइस है 30,000 के आसपास। सिंपल ब्रांडिंग है, जस्ट 2G V Max, स्मार्ट लाइफ फॉर यू, एंड दैट्स इट। साथ ही साथ हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट भी दिया गया, यानी कि प्रीमियम साउंड क्वालिटी भी आपको इसमें मिलने वाली है। चलो मैच कर रहा होगा। अब ये काफ़ी दूर से आया है, रगेड फोन है, भारी भरकम फोन है। वाह, एक तरफ तो ऐसा लगा कि जैसे अरे ये क्या हुआ, ऐसे वजन सा आ गया। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। ऑफ कोर्स एक यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया जा रहा है, एक अल्कोहल स्वैब है, स्क्रीन प्रोटेक्टर एक्सेसरीज एंड द यूजर मैनुअल, कुछ वारंटी स्टिकर्स भी हैं एंड सार वैल्यू सर्टिफिकेशन मिलता है। 33 वॉट का यहाँ पे चार्जर भी मिलता है, यहाँ पे टाइप सी है। ये रहा फोन। फोन को गाइज ओपन करने से पहले ना इसका वेट हम जरूर चेक करते हैं। इसका वेट आपको दिखाने से पहले मैं आपको स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट 5G फोन का वेट दिखाता हूँ, और ये है 157 grams। अब बारी आती है इस साल के हैवीएस्ट फोन की, 545 ग्राम, आधे किलो से ज़्यादा इस फोन का वेट है। उसको निकालते हैं ऐसे, एंड स्टिकर, ये लेदर की फिनिशिंग फील हो रही होगी, लेकिन HD में लेदर है नहीं, ये प्लास्टिक ही है, उस पर ऐसा डिज़ाइन दिया गया है। 2G की ब्रांडिंग यहाँ पे है, और एक्चुअली में फिजिकल स्क्रूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू सी जो फिलिप स्क्रूज होते हैं ना, जो फोन में यूज होते हैं, यहाँ पे लिटरली बाहर नजर आ रहे हैं। बैक साइड में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा दिख रहा होगा, सेंटर में 108 MP है, राइट साइड में 16 MP का अल्ट्रा वाइड स्लैश मैक्रो है, एंड इसके इधर यहाँ पे 20 MP का सोनी का नाइट विजन कैमरा है। इस साइड यहाँ पे 2 LED flash हैं, और राइट साइड यहाँ पे आपको मिलता है इंफ्रारेड विजन। इस साइड आ जाएगा इस यहाँ पे ग्रिल्ड में वॉल्यूम बटन मिलता है, उसके बॉटम पे यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑफ कोर्स इन डिस्प्ले नहीं मिलता बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले शॉक से टूट जाते हैं, तो यहाँ पे LCD पैनल दिया जाएगा। इन दी बॉटम में यहाँ पे एक क्लोज इंक्लोजर का USB Type-C ऑफ कोर्स चार्जिंग, और यहाँ पे आप एक स्ट्रैप भी लगा सकते हैं। ऑन दी अपोजिट यहाँ पे कस्टमाइजेबल बटन दिया गया है, यहाँ पे सिम निकालने के लिए आपको इस सिम इजेक्टर टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट डायरेक्टली आप फिंगर नेल जैसे निकाल सकते हैं। अब ये मुझे देखो मैकेनिज्म तो बढ़िया लग रहा है, लाइक आप इजीली निकाल सकते हैं, बट रगेड फोन में आई थिंक ये फ्लॉ हो सकता है, मे बी लाइक अगर समहाउ अगर ये कहीं फंस जाए, बहुत ही कसके फोन गिरे, तो शायद सिम ट्रे निकल सकता है। एंड बिफोर टू दैट गाइस, आपको मैं एक एवरीडे यूसेज का रगेड फोन दिखाता हूँ, जो लिटरली मैं खुद 1+ से यूज कर रहा हूँ, और ये नोकिया XR20। इसका भी डिजाइन मोर एग्जैक्टली वैसा ही, जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्ट्रैप का डिजाइन, और डेडिकेटेड कस्टमाइजेबल बटन, LCD पैनल, 120Hz एंड IP68 वाटरप्रूफ विदाउट केस डिजाइन। और इसको हम कंपेयर करें एक ट्रूली बीस्टी रगेड फोन से, तीसरी रगेड फोन में भी कितना फर्क आया है। बट ये फोन भी आई थिंक रियली इंप्रेसिव, हमने इसको अराउंड 20 feet से आई बिलीव ड्रॉप किया था, बट नथिंग हैपेंड, स्टिल परफेक्टली वर्किंग। ऑन द फ्रंट यहाँ पे 2 स्पीकर दिए गए हैं, और ईयर रिसीवर भी दिया गया है। ऑन द बॉटम यहाँ पे भी एक माइक है एंड स्पीकर दिए गए, तो ढेर सारे यहाँ पे स्पीकर दिए गए। ऑलराइट, फोन भी गाइस सेट हो गया है, और इसका हम लेआउट देख लें तो यार श्योरली आपको ये सुपर स्लिम चिन वाला फ़ोन तो नहीं फील होगा, बिकॉज ये अलग ही कैटेगरी का फ़ोन है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको ढेर सारे बिग बेजल्स नजर आएंगे, और इसको मैंने अभी मैक्स ब्राइटनेस पर रखा है, तो सुपर ब्राइट नहीं है, आई बिलीव 600-800 nits के आसपास होना चाहिए। PPI अच्छी है, 400 nits की यहाँ पे PPI है, और अगर हम डिस्प्ले का यहाँ पे चेक करें, सो एडाप्टिव यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइटनेस भी है, एंड ऑफ कोर्स ये तो होगा ही। ऑन दी एडवांस स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120Hz, 90, 60, एंड लिफ्ट टू वेक अप फीचर है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये AMOLED नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो सभी नहीं मिलेगा। सो या डिस्प्ले आई थिंक परफेक्टली व्यूएबल, अगर आप आउटडोर में इसको व्यू करते हैं, सो कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर बहुत ज़्यादा नहीं है,
लाइक वन और टू ये ओनली है, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा दिया गया है, चाइल्ड मोड और ये सभी है, सिस्टम मैनेजर, कुछ थर्ड पार्टी नहीं, जस्ट नेटफ्लिक्स यहाँ पे अलग से स्टॉल किया गया है। लेट्स चेक आउट दी अबाउट फोन सेक्शन। वी मैक्स यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम भी मिलता है, यानी कि 20 GB तक आप यहाँ पे रैम पा सकते हैं। एंड्रॉयड 12 से यहाँ पे ये चीज़ दी गई है। अब क्लियरली गाइस यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स उतनी प्रायोरिटी नहीं होगी, बिकॉज ये जस्ट सेलेक्टेड सेट ऑफ यूजर्स के लिए ही बना है। Dimensity 1080 CPU दिया गया, जो आपको आजकल के लेटेस्ट Realme 10 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro Plus Pro में मिल रहा है, इन अदर फोन्स में। तो यहाँ पे स्कोर काफ़ी अच्छा है, 5 लाख के ऊपर स्कोर है, जो कि रेस्पेक्टेबल है। सो एवरी डे टास्क यहाँ पे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 108 MP का सैमसंग कैमरा दिया गया है, नाइट विजन भी दिया गया है। कुछ सैंपल्स लेते हैं और देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आती है। ये रहे हमारे ढेर सारे नेचुरल पेंट एंड वुडन ऑब्जेक्ट, और साथ में गाइस एक कोका कोला फोन, इसकी भी हम फोटो लेते हैं। एट द फर्स्ट ये रहा नॉर्मल मोड एंड या अल्ट्रा वाइड। अब हम लेते हैं 108 MP की एक डिटेल शॉट। लेट्स चेक आउट कितना जूम हो जाता है यहाँ पे। वाओ, मैक्सिमम 10x जूम। लेट्स टेस्ट आउट कि इसमें मैक्रो कैसे काम करता है। आपको अल्ट्रा वाइड में सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये मैक्रो इसका काम करता है। मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं, जैसे कि ये रहा। अब ये मैक्रो वीडियो है जो 1080p रिजोल्यूशन में, और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है। अब ये विद HDR था, अब ये विदाउट HDR है। डिफरेंस कितना आप साइड टू साइड स्पॉट कर लीजिएगा। इस फोन के रियर कैमरे से गाइस आप 4K 30fps की वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज ये CPU 4K 30 सपोर्ट करता है। 60 कर रहा होता तो 60 भी इसमें बन जाता, बट इस प्राइस पॉइंट पे ये ओके। यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्स आपको यही मिलेगी कि इसमें कोई भी OIS नहीं है, लेकिन जितना मैंने इसको यूज़ किया ना, मुझे इस फोन से वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। आई मीन जैसे जिस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। और अनदर गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको नाइट विजन का फीचर मिलता है, यानी कि आप कंप्लीट डार्क में वीडियो बनाते हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 इंफ्रारेड सेंसर दिए गए हैं बैक साइड पे, वो 2 लाइटें जल जाती हैं, उससे आप थोड़ी सी बेटर लो लाइट वीडियोस बना सकते हैं। कलरफुल शॉट लेते हैं और उसको अगर हम लाइट ऑफ करके लेते हैं तो नाइट विजन में कैसा सकता है, कुछ ऐसे सैंपल्स मिल सकते हैं। अब यहाँ से गाइज आप फ्रंट से 4K वीडियो बना सकते हैं, ऐसा क्लेम किया गया है कंपनी ने, वेबसाइट में लिखा है, बट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट 1080p है। अब आई डोंट थिंक सो कि आप 550 ग्राम का फ़ोन लेके ऐसे सेल्फी बनाएंगे। ऐसे आप चालू से करेंगे, लेकिन धीरे 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 आप ऐसे ना ऐसे बैठ जाएंगे सेल्फी बनाते बनाते, या इवेंचुअली। लेट्स चेक आउट फोटोज़ कैसे आ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड मोड है, राइट, ब्लैक बियर टाइप फोटो आ रही है। अभी ये ब्यूटी मोड एंड मोर पे आ जाएं तो यहाँ पे GIF भी बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ दी GIF। सो ओवरऑल फोटोज़ के टर्म में मुझे ये ठीक लग रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन की इश्यूज लगेगी, बिकॉज ये मेन स्ट्रीम फ़ोन नहीं है, तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और फोटोज़ की क्वालिटी इंप्रूवमेंट में उतना ज़्यादा ह्यूज वर्क नहीं किया गया, बट फॉर द कैजुअल स्टफ आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पे 22,000 mAh की बैटरी मिलती है। दो स्टैंडर्ड पावर बैंक जो 10,000 mAh के आप लेके घूमते हैं वो आसानी से इसमें आ सकते हैं। ऑफकोर्स आप इसको ऐसे पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, अदर गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इस आईफोन को 4-5 बारी तो चार्ज हो ही जाएगा। अब एग्जैक्टली बैटरी बैकअप मैं नहीं बता सकता, बिकॉज ये फ़ोन डिस्चार्ज करना लाइक मेरे बस की बात तो है नहीं, बट कंपनी ने कुछ स्टैट शेयर किए हैं, जैसे कि 160 आवर का नेविगेशन, 40 आवर्स की वीडियो प्लेइंग विथ दी ऑप्टिमल 60-70% वॉल्यूम ऑफकोर्स, 25 आवर्स गेमिंग, 10 आवर्स कॉलिंग एंड 30 आवर्स रीडिंग, 240 आवर्स नॉर्मल यूसेज, 90 आवर्स म्यूजिक प्ले, 28 आवर्स प्ले बैक। यानी कि ये फ़ोन 8 से 10 दिन तो कैजुअल यूज़ में चल जाएगा। मैंने आपको दोबारा डिब्बा पैक करके दिखाया था, 2 दिन पहले मैंने इसको 100% चार्ज किया था, अभी यहाँ पे जस्ट 81 ही हुआ है और फ़ोन अभी तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स प्ले वीडियो, देखते हैं गाइस इसमें स्पीकर कितने लाउड हैं। अभी मैं अराउंड 70% पे रखा हूँ।
और कुछ इस तरीके से बॉक्स खुलेगा। भैया ने लिखा वो है पावर टू चेंज। बहुत सारे गाइस हमने इसमें वीडियो प्ले किए बट क्वालिटी ना उतनी जबरदस्त मिल नहीं रही है जैसे कि अनदर वीडियो प्ले करते हैं। अब ये फुल वॉल्यूम पे है, चलो वॉल्यूम घटा लें। यहाँ पे चार डिज़ाइन बनाए गए, चारों स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर है और ये स्पीकर है। हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है सो उसके टर्म में भी देखा जाए तो सुपर क्रिस्प ऑडियो इसमें नहीं आ रहा है। लाउडनेस इसकी सुपर क्रेजी भी नहीं है बिकॉज ऐसा यहाँ से ऐसा डिज़ाइन बनाया गया ऐसे लग रहा होगा कि एकदम ज़बरदस्त ऑडियो आनी चाहिए तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं है। प्लस फुल वॉल्यूम पे स्पीकर में डिस्टॉर्शन भी थोड़ा सा, लाइक यू नो आपने देखा था फट फट की आवाज़ आ रही थी वो भी था। ओके फाइनली बिग फैक्टर की बात करते हैं। ये डिवाइस IP68/IP69 के है और MIL 810H सर्टिफाइड है। अब ड्यूरेबिलिटी एंड ड्रॉप टेस्ट में वो तो हम चेक करेंगे करेंगे कि ये ड्रॉप में कैसा निकल के आता है। आई डाउट कि ये पास करना चाहिए बिकॉज लाइक काफ़ी क्लोज इसका डिस्प्ले बाहर है और ज़्यादा यहाँ पे ओपनिंग नहीं है सो शायद डिस्प्ले इसका टूट जाए। सो हमने इसको अराउंड 40 मिनट प्लस इसको 35-40 लीटर्स ऑफ कोका कोला में इसको डिप किया, वहाँ तो ये फ़ोन परफेक्टली पास हो गया और एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड परफेक्टली वर्किंग है। जो रगेड फ़ोन के ऑडियंस होते हैं ना वो बहुत ही कम है, लाइक आई थिंक 1-2% भी नहीं होंगे। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट स्पेशल पर्पसेस के लिए ये फ़ोन बनाए जाते हैं। सो इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से सभी चीज़ें बड़ी दमदार हैं और जो कुछ कॉन्स मिली लाइक स्पीकर का और कुछ कैमरा ऑटोमेशन का वो तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि मेन स्ट्रीम फ़ोन नहीं है कि जो बल्क में सेल होना है, सो कंपनी को भी उस चीज़ से ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो ये हथौड़ा और शक्तिमान वाला फ़ोन बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, आपको कैसा लगता है? Do let me know in the comments. Thank you so much guys. See you soon. Have a great day.